और पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई तो सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। इससे पहले सुनील पांडे राष्ट्रीय लोजपा में पशुपति पारस के साथ थे। तो बता दें कि सुनील पांडे ने 2006 में पटना के ASP को गोली मारने की बात कही थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और सुनील पांडे का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है, लेकिन दिलीप जायसवाल का कहना है कि वे आप पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरारी क्षेत्र के भूतपूर्व उम्मीदवार और उनके सुपुत्र विशाल प्रशांत जी, आज दोनों नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई है, इनका अभिनंदन करते हैं। एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं 2000 से, लेकिन आज हम अपनी पार्टी बीजेपी में विधवा सम्मिलित हुए हैं और पार्टी का जो भी अगला निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। और मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी होगी उसका लेगी और पार्टी को मजबूत करना है और पुनः इस बार सरकार बनाना है, इसी संकल्प के साथ जय श्री राम।